Hi friends, my name is Anuj Thapliyal, and today in the series of Data Science with R videos, we are going to discuss to another data structure in R, the list and matrix. As we have already discussed and I have uploaded the video on vectors, okay, which is the one of the main building block of all other data structures. So if you want to learn about vectors, go through the previous video, okay? And in this video, we are moving forward with list and matrix as a data structures. Okay, so list. What is a list actually? List, it is a stack of multiple vectors. Vectors, हमें पता है how to create a vector, है ना? We have already discussed. तो list क्या है? List बहुत सारे vectors का एक stack है. Stack means one above another. Okay. Each vector in the list can be varying length of data type. अच्छा. अब यहाँ पे scene ये है कि बहुत सारे vectors जो हैं हमने अलग अलग बनाए. एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर रख दिया, उसके ऊपर तीसरा. इट्स जस्ट लाइक अ बॉक्स ओवर अ बॉक्स. एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स, और हर बॉक्स जो है वो अलग अलग लेंथ का भी हो सकता है. हो सकता है कि वेक्टर वन वो फाइव की लेंथ हो और वो न्यूमेरिक हो, वेक्टर टू सिर्फ टू की लेंथ हो और वो कैरेक्टर हो, सिर्फ ए और बी हो उसमें. ओके, तीसरे हमारा फ्लोट में हो सकता है. ओके, तो ऐसे ही करके हम मिक्स कर करके एक के ऊपर एक जब हम वेक्टर्स को रखते हैं तो हम उसको लिस्ट कहते हैं. ओके, सो आप इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं. अभी डायग्राम में आपको दिखाता हूं. अच्छा, अगर हम डिलीट कर दें या रिमूव कर दें किसी एक स्टैक को तो बाकियों पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अदर्स विल बी अनअफेक्टेड. ओके, तो हम एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रख रहे हैं बट उनके बीच में कोई भी, देयर इज नो इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑल दीज स्टैक्स. ओके, और जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है x1 न्यूमेरिक है, x2 हमारा कैरेक्टर है, हम इनको तब भी स्टैक कर सकते हैं. ओके, एंड वी कैन स्टैक एनीथिंग ऑन लिस्ट वेक्टर ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स. नाउ इफ आई सी, नाउ सी दिस इज अ लिस्ट. ओके, लिस्ट का नाम ए है, इसमें फोर स्टैक्स हैं, 1 2 3 4, और ये चारों क्या है, ये वेक्टर है. x, लेट अस सपोज इस 1 2 3 का नाम एक वेक्टर है, x1 पहले मैंने बनाया, फिर मैंने x2 बनाया, वो स्ट्रिंग है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. X3 यहाँ पे कुछ वैल्यू है, X4 यहाँ पे भी कुछ वैल्यू है, ये चारों अलग अलग है. ओके, यहाँ पे इस X4 वेक्टर को देखिए, इसकी लेंथ कितनी है, सिर्फ 2, और X1 की कितनी है, 3. यहाँ पे एक स्ट्रिंग है, यहाँ पे भी एक सिर्फ 1 है. ओके, तो ये एक लिस्ट होती है, एक के ऊपर एक वेक्टर को रखना, बट आपस में इनका कोई भी रिलेशन नहीं है. मीन्स अगर मैं X1 को डिलीट कर दूं तो X2 X3 X4 दे विल बी अनअफेक्टेड फ्रॉम दिस ऑपरेशन. ओके, सो अब एक बार इसको हम अपने आर स्टूडियो में भी एग्जीक्यूट करके देखते हैं. ओके, सबसे पहले लिस्ट, मैंने एक वेक्टर बनाया x1 और x1 में मैंने वैल्यूज रखी है 1 to 5, हमें पता है हम वेक्टर कैसे बनाते हैं. ओके, तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूं, जैसे ही एग्जीक्यूट करूंगा ये हमारी एनवायरमेंट में आ जाएगा, इट मींस मेरे रैम में आ जाएगा. मैंने इसको रन कर दिया तो x1 यहाँ पे आ चुका है, इंटीजर है, 1 to 5 एलिमेंट्स हैं इसमें. कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5. इसी तरीके से मैंने एक x2 बनाया है. ओके, x2 अब देखिए मेरा कैरेक्टर टाइप है. ओके, हम चाहे तो क्लास करके भी देख सकते हैं, क्लास ऑफ x1, इफ आई सी एंड आई रन, सी क्लास 1 इज इंटीजर. ओके, और ये जो x2 है ये मेरा कैरेक्टर टाइप है. सो इफ आई सी, क्लास x2, एंड इफ आई रन, x2 नॉट फाउंड. ओ सॉरी, अभी देखिए यहाँ इस तरीके की एरर्स भी हमारे केस में आती हैं. मैंने क्लास x2 की देखी, देखना चाहता था, बट उसने मुझे एरर थ्रो करी, x2 नहीं मिला. क्यों? क्योंकि x2 अभी तक मेरे यहाँ एनवायरमेंट में नहीं आया है. मैंने ये जो पहले वाली स्टेटमेंट है x2, मैंने इसको रन ही नहीं किया. ओके, तो पहले मैं इसको रन कर देता हूँ. अब देखिए ये यहाँ पे एनवायरमेंट में x2 आ चुका है. अब मैं चेक कर सकता हूँ क्लास x2 की क्या है. तो उसके लिए मैं दोबारा से यहाँ पे आता हूँ,
इस लाइन पे और कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखिए इसने मुझे दिखा दिया कैरेक्टर। ओके, तो एक न्यूमेरिक है, एक कैरेक्टर है। अब मुझे एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो लिस्ट मैं बना रहा हूं। लिस्ट, इसके लिए फंक्शन है लिस्ट, और लिस्ट कौन कौन से वेक्टर्स की बने, एक है x1 जो कि मेरा न्यूमेरिक है, और दूसरा है x2 which is my character type, ठीक है? तो creating a list with two vectors, और ये जो मेरी लिस्ट बनेगी, ये एक नए वेरिएबल में आ जाए जो कि लिस्ट टाइप का है, और उसका नाम मैंने रखा है माई लिस्ट। ओके, तो अब रन करते हैं इसको। रन, मैंने रन किया, माई लिस्ट भी मेरे, देखिए डेटा में माई लिस्ट आ चुकी है, लिस्ट ऑफ टू, क्योंकि दो वेक्टर ऐड किए हैं x1 और x2। अब मैं लिस्ट को भी, माई लिस्ट को भी रन करता हूं। रन, नाउ सी, मुझे ये आउटपुट मिला है। अब इस आउटपुट को जरा हल्का सा एनालाइज करते हैं। ये है मेरा आउटपुट, माई लिस्ट। आप देखिए, अब डबल ब्रैकेट आ रहे हैं। पहले जब आउटपुट आता था तो वन एक सिंगल ब्रैकेट आता था, जैसे यहाँ पे देखिए कैरेक्टर, और यहाँ पे सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट में वन लिखा हुआ है। ओके, बट यहाँ पे अब डबल ब्रैकेट है, इट मींस ये स्टैक वन है, स्टैक वन की बात कर रहे हैं। स्टैक वन में अब आउटपुट देखिए कौन कौन से आउटपुट है, वन से लेके फाइव तक वैल्यूज है। अब डबल ब्रैकेट, ये है स्टैक टू। ओके, और इसमें कौन कौन से आउटपुट है, कैरेक्टर टाइप ए बी सी डी एंड ई। ओके, सो अब आप समझ गए कि इन स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब है, क्यों आउटपुट में लिखा हुआ आता है। ओके, अच्छा, सो आई कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ वेक्टर्स एज मेनी वेक्टर्स एज आई वांट टू, जितने भी मैं ऐड करना चाहता हूं। अगर मुझे रिवर्स करना है इसका, मुझे लिस्ट को वेक्टर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए एक फंक्शन है अनलिस्ट। ओके, बट ध्यान रखिएगा, लिस्ट में जितने भी हमारे स्टैक वन में, स्टैक टू में जितने भी हमारी वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी एक ही वेक्टर में बन के आ जाएंगी। ओके, इट विल बिकम वन सिंगल वेक्टर। और अगर आप इसमें देखेंगे कि वैल्यूज यहाँ पे कैरेक्टर टाइप भी हैं और न्यूमेरिक टाइप भी हैं, जब दोनों एक एक साथ कंबाइन होगी तो जो नई वेक्टर बन के आएगी, जब मैं अनलिस्ट करूंगा, तो वो उसका टाइप क्या होगा, कैरेक्टर, क्योंकि हमने बताया, डिस्कस किया था कि एक भी अगर कैरेक्टर है पूरे डेटा में, तो पूरा का पूरा आपका जो वेरिएबल है वो कैरेक्टर टाइप हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये वेक्टर में हमें बन के मिलेगा। ओके, तो कैसे करेंगे अनलिस्ट, मैंने किया अनलिस्ट माय लिस्ट, ये जो मेरी लिस्ट थी, ये जो हमने लिस्ट बनाई थी माय लिस्ट, ओके, इसको मैं अनलिस्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए फंक्शन है अनलिस्ट, और माय लिस्ट को अनलिस्ट कर दें। अब लिस्ट ना रहे, इसमें स्टैक ना रहे, और ये एक वेरिएबल में आ जाए, एक वेक्टर वेरिएबल में आ जाए, वाई। ओके, तो मैं इस लाइन को, इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता हूँ, और अब वाई को हम रन करके देखते हैं। देखिए वाई में 1, 2, 3, 4, 5, 6 सारी वैल्यूज आ चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे एक ही लिस्ट बन गई है, एक ही वेक्टर बन चुका है वाई। ओके, ओके, अच्छा, अगर अब मैं इसका वाई का स्ट्रक्चर देखना चाहूं, तो अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, सी स्ट्रक्चर के लिए str, और वाई का मुझे स्ट्रक्चर देखना है, कंट्रोल प्लस एंटर। तो देखिए स्ट्रक्चर में मुझे y का कैरेक्टर दिखाया है, क्योंकि अब ये सारे कैरेक्टर बन चुके हैं, क्योंकि एक भी कैरेक्टर वैल्यू होगी सारे कैरेक्टर बन जाएंगे। एक चीज और फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर जब भी हम देखते हैं तो हमें सिर्फ फर्स्ट 20 एलिमेंट्स दिखाई देते हैं उसमें। ओके, स्ट्रक्चर में अभी तो 20 से ज्यादा नहीं है, क्योंकि 5, 1 to 5 और 8 to 8, तो 10 ही एलिमेंट है। बट अगर 50 एलिमेंट्स होते तो स्टार्टिंग के 20 ही हमें इसमें स्ट्रक्चर में दिखते हैं। ओके, सो अब इसके बाद वेक्टर्स में, लिस्ट में और कुछ ज्यादा नहीं है। ओके, जब इसका आगे हम यूज करेंगे तो एनालिसिस के दौरान, तो हम इसको दोबारा डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जैसे कि फ्रेंड्स हमें पता है, हमने बेसिक मैथमेटिक्स जब हमने पढ़ी है तब भी हमें मैट्रिक्स पता था। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम, यानी कि मैट्रिक्स हमारी टू डायमेंशनल डेटा है ना। इसमें हमारी रोज भी है, सॉरी हमारी रोज भी है, रो वन रो टू, और हमारी कॉलम्स भी है, कॉलम नंबर वन, कॉलम नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री। ओके, सो हम देखते हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स इज अ टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर, जैसे मैंने आपको भी बताया,
इट इज सिमिलर टू अ वेक्टर वेक्टर बट हैज द डायमेंशन एट्रीब्यूट. डायमेंशन अलग है, इसमें दो डायमेंशन है ना. एलिमेंट्स जो भी हमारे मैट्रिक्स में होंगे वो सेम टाइप के होने चाहिए, चाहे वो नंबर हो, कैरेक्टर हो या बुलियन हो. ओके ओके. अगेन हमें एक वेक्टर चाहिए मैट्रिक्स बनाने के लिए, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेक्टर जो है एक बिल्डिंग ब्लॉक है अदर डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए, क्योंकि लिस्ट में भी हमने वेक्टर के थ्रू ही बनाया था. अब देखिए वेक्टर हमारी वन डायमेंशनल होती है, उसमें सिर्फ हमारी रो ही होती है ना. लिस्ट को भी हम वन डायमेंशनल ही मानते हैं, ऑल्दो ये टू डायमेंशनल है. ओके बट ये सिर्फ स्टैक है वेक्टर्स का, एक वेक्टर के ऊपर दूसरा वेक्टर, और इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. ओके जो भी स्टैक्स हमारी लिस्ट में होती है उनके बीच में कोई भी इंटर रिलेशन नहीं है, तो इसीलिए उसको हम 1D ही मानते हैं, वन डायमेंशनल. बट मैट्रिक्स हमारा टू डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें कि हमारे पास कॉलम्स भी हैं और रोज भी हैं. ओके तो जब भी डेटा रो और कॉलम की फॉर्म में होगा तो वो 2D होगा. अच्छा और ये बात भी ध्यान रखनी है कि फॉर्मेट हमेशा रो पहले आएगी कॉलम बाद में आएगा, रो इंटू कॉलम. और मैट्रिक्स बनाने के लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं सिंपल मैट्रिक्स. ओके मैट्रिक्स लिखेंगे, वेक्टर प्रोवाइड करेंगे आप जिस वेक्टर में से हमें मैट्रिक्स बनानी है, एंड रोज मींस नंबर ऑफ रोज, हमें कितने नंबर ऑफ रोज चाहिए उस मैट्रिक्स में से, एंड कॉलम नंबर ऑफ कॉलम हमें कितने चाहिए. ओके बाय रो, वैसे बाय डिफॉल्ट आपका कॉलम वाइज आपका डेटा एंटर होगा मैट्रिक्स में, वेक्टर में से लिया जाएगा, वो हम अभी देखते हैं कैसे होगा. बट अगर आप रो वाइज करना चाहते हैं तो आपको ट्रू करना पड़ेगा. ओके जैसे वेक्टर में हमने डिस्कस किया था कि अगर एक भी एलिमेंट हमारा कैरेक्टर है तो पूरा न्यूमेरिक कैरेक्टर हो जाएगा. ओके ऐसे ही मैट्रिक्स में भी होता है, अगर एक भी कैरेक्टर एलिमेंट है तो हमारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स हमारी कैरेक्टर में हो जाएगी, उसकी क्लास कैरेक्टर हो जाएगी. सो अगेन बैक टू दी आर स्टूडियो मैट्रिक्स. मैंने एक वेक्टर बनाया है x1. ओके x1 में 1 से लेके 5 तक हमने वैल्यूज कर दी. अब हम मैट्रिक्स बनाते हैं. मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स लिखेंगे, ब्रैकेट में मैंने लिखा x1, मुझे वेक्टर प्रोवाइड करना है. कौन से वेक्टर? जो वैल्यूज है 1 से लेके 5 तक, वो वेक्टर वहां से वैल्यूज ली जाए. कॉमा, मुझे कितने नंबर ऑफ रो चाहिए, तो नंबर ऑफ रो मुझे 2 चाहिए, और नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए, 3 चाहिए. ओके और ये जो मैट्रिक्स बनेगा इसको एक वेरिएबल में रख दिया जाए जो कि मैट्रिक्स टाइप का है, और उसका मैंने नाम रखा है x_mat. ओके तो हम इसको रन करते हैं. x1 रन हो चुका है, एग्जीक्यूट एनवायरनमेंट में आ चुका है, और अब मैं एक्स मैट्रिक्स को भी एग्जीक्यूट कर देता हूं. और अब हम देखते हैं एक्स मैट्रिक्स को अगर रन करेंगे तो क्या आउटपुट हमें मिलेगा. आउटपुट ये मिला है दोस्तों. ओके ये आउटपुट मैंने यहाँ कॉपी कर रखा है. आप देखिए मैंने कहा था कि मुझे 2 रो चाहिए, तो 2 रो मिली है, रो नंबर 1 रो नंबर 2. ऐसे ही कॉलम मुझे 3 चाहिए, तो कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3. और x1 जो मेरा वेक्टर था जिससे हमने मैट्रिक्स बनाई है उसमें वैल्यूज क्या थी, 1 से लेके 5 तक. तो देखिए वैल्यूज कैसे आई, 1 फिर 2 फिर कॉलम नंबर 2 में गए 3 एंड 4 देन 5, और 5 ही वैल्यूज थी बट 2 रो और 3 कॉलम है तो 6 वैल्यूज होनी चाहिए. तो उन्होंने क्या किया, दोबारा से रिवर्स जाके जो पहला एलिमेंट था 1 उसी को दोबारा से यहाँ पे 6 एलिमेंट में लिख दिया. ओके बट वैसे ये गुड प्रैक्टिस है कि आप हमेशा मल्टीप्लीकेशन में ही जितनी हम रो कॉलम लेना चाहते हैं उनके मल्टीप्लीकेशन वाला ही वैक्टर हम सेलेक्ट करें. ओके तो अभी जो एलिमेंट को यहाँ पे असाइन किया है वो कॉलम वाइज किया है, पहले 1 फिर 2, एक कॉलम को भर दिया फिर दूसरे कॉलम को 3 4. अगर मैं इसको रो वाइज करता तो कैसे होता, 1 2 3 4 5 फिर 1. ओके अच्छा अगर मैं इसमें लिखूं एक्स मैट इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स x1 x2. ओके इसका मतलब कोई भी कॉलम इसमें नहीं है. फ्रेंड्स इसका मतलब कोई कॉलम हमने नहीं दिया तो भी इसका एक ही हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी इसी फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि हमने सिर्फ रो दी है. तो जब रो मैंने दी है 1 और 2 है ना, तो 2 रो मुझे चाहिए, तो डेटा फिर भी इसी तरीके से आएगा कॉलम वाइज, क्योंकि डेटा फिल होगा 1 2 3 4 5 उसके बाद खत्म, तो 1 को ले लेगा. तो इसको हम करके भी देखते हैं. देखिए मैंने
एक्स अंडरस्कोर मैट मैट्रिक्स में एक्स वन तो हमारा वेक्टर है और मैंने सिर्फ इस बार रो दी है। मैं चाहता तो कॉलम टू भी दे सकता था, बट अगर मैं नहीं दूंगा तो भी मैं चेक करना चाहता हूँ। मैं इसको रन करता हूँ। ओके तो यहाँ पे देखिए, डेटा लेंथ फाइव इज नॉट अ सब मल्टीपल और मल्टीपल ऑफ द नंबर ऑफ रोज, ठीक है। ये वार्निंग हमें दे रहा है, उसने उसको रन कर दिया है, बट स्टिल हमें वार्निंग मिल रही है। ओके तो सॉरी, मैंने अभी थ्री कॉलम्स कर रहे हैं यहाँ पे। ओके तो मुझे आउटपुट इस तरीके से मिलेगा, 1 2 3 4 5 अगेन 1। ओके कुछ आर के वर्जन में आपको ये वार्निंग नहीं मिलेगी और डायरेक्टली रन हो जाएगा, बट यहाँ पे इसने मुझे वार्निंग दी है। एक्समेट को रन करूं तो देखिए 1 2 3 4 5 1, क्योंकि मैंने बताया मुझे थ्री रोज चाहिए। तो रोज क्या है, 3 1 2 एंड 3। डेटा यहीं पे सेकंड रो में आते आते खत्म हो गया, तो इसलिए दो ही कॉलम बने इसमें, ठीक है। बट डेटा भी कॉलम वाइज भर रहा है, पहले कॉलम भर रहे हैं 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ डेटा रो वाइज भरे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाय रो आपको लिखना है और इक्वल्स टू टी। टी का मतलब है ट्रू। आप ट्रू करना चाहते हैं कि डेटा बाय रोज फिल करे। तो अगर मैं अब इस स्टेटमेंट को रन करूंगा, कंट्रोल प्लस एंटर, ओके, वो वार्निंग मुझे बार बार मिल रही है कि मल्टीप्लीकेशन नहीं है, बट स्टिल अब देखिए डेटा रो वाइज भर रहा है, 1 2, फिर सेकेंड रो 3 4 और उसके बाद 5। ओके और इससे पहले क्या था, डेटा कॉलम वाइज भर रहा था, 1 2 3 4 5। तो दिस इज द आउटपुट। अच्छा, अगर आपको रो वाइज नहीं चाहिए तो आप सिंपल बाय रो इक्वल्स टू फॉल्स कर सकते हैं यहाँ पे ट्रू के बजाय। और यहाँ पे कोई भी अनमैट्रिक्स फंक्शन नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसे हम लिस्ट में अनमैट्रिक्स अनलिस्ट कर देते थे, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम एक मैट्रिक्स को दूसरे डेटा स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर सकते हैं, हम एक मैट्रिक्स को जैसे डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो हम कर सकते हैं।